गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। कैसे भाई सभी लोग? सब लोग बढ़िया हैं? जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करेंगे। जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर दीजिए। और कौन कौन क्लास में आ चुके हैं, आवाज़ वगैरह चेक कर लो बेटा एक बार, सब ठीक है? स्वीट गर्ल, अंकित पांडे, वेंकट शिवा चिन्नी, वेंकट शिवा चिन्नी बहुत बढ़िया नाम है भाई, वेंकटेश्वर महाराज के नाम पर है। शुभम कुमार, सिंगानिया गौतम और शुभम सिंह, एक शुभम कुमार एक शुभम सिंह है, दीपशिखा। चलो तो करते हैं, ऋतु सब लोग जल्दी से शेयर कर दो, सब ठीक है? ऑल ओके है, ठीक है बेटा, मैं जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक हाँ, अच्छा भाई, 6 PM वाली जो क्लास है आज भी होगी, आज पॉलिटी है, कल ज्योग्राफी हुई थी है ना, कल जो हुई थी वो ज्योग्राफी हुई थी, आज भी होगी कल भी होगी 6 PM पर, जल्दी जल्दी शेयर कर डालो। बाकी 9 से लेके 12 तक या SSC, रेलवे, बैंकिंग, UGC, नेट, कोई भी आपको क्लास अनअकैडमी पर एक्सेस करनी है, उस पर परचेज करनी है, तो उसके लिए आप लोग मेरा कोड यूज़ कीजिए ANADIYT एंड ADYT, जिससे आपको 10% मिलेगा डिस्काउंट। चलिए ऑल ओके है तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आज का है भाई, हु इज जनरली कंसीडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अ टेबुलर मेथड ऑफ द डिस्प्लेइंग द केमिकल एलिमेंट, आमतौर पर रासायनिक तत्वों को प्रदर्शित करने की एक सारणीबद्ध विधि, जिसे हम लोग आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, उसके आविष्कार के रूप में किसे माना जाता है? कौन है? ग्रेगर मेंडल, चैडविक, देमेद्री, मेंडेलीफ या रदरफोर्ड? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए और चेक कीजिए सब कुछ ठीक है, बेहतर है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम है क्या? कहाँ गायब हो रहे हैं आप लोग? गुड नून, गुड आफ्टरनून, टेक माई नेम, ऋतु नरवाल सिंह। नरवाल साहब तो कई सारे कबड्डी प्लेयर भी हैं भाई, प्रणाम, खुश रहो। जो तो कौन है? मेंडेलीफ, करेक्ट आंसर इसका क्या होता है? मेंडेलीफ इज द करेक्ट आंसर, जिसने टेबलर फॉर्म दिया है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान इंटरनेशनल फ्लाइट को कब से शुरू करने का निर्णय लिया था? तो 23 जुलाई से लिया था। कब से? 23 जुलाई से लिया था, कुछ लिमिटेड। बॉर्डर, गावस्कर ट्रॉफी, एलन बॉर्डर और हमारे सुनील गावस्कर साहब के नाम पर भारतीय क्रिकेट टीम किस देश के साथ या किस देश के खिलाफ खेलती है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका? तो बताइए जल्दी जल्दी, बाकी शेयर करते रहिए। 23 जुलाई था बेटा उसका, 22 जुलाई नहीं था, 23 जुलाई था। इसका आंसर बता दो आप लोग, क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्या है? यस सर, प्रदीप नरवाल, हाँ वही तो, प्रदीप नरवाल बहुत फेमस है, मेरा फेवरेट भी है नरवाल। और उसके बाद इसका आंसर क्या होता है भाई? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड नहीं है बेटा, ऑस्ट्रेलिया। अपने कई सारे मंदिरों की वजह से किस शहर को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यूमरस टेम्पल, विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया? मदुरई जो कि तमिलनाडु में, हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में, या फिर चलो बता दो नन ऑफ दीज। कौन सा वाला है, कौन सा वाला है, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कौन सा आंसर होगा इसका? भुवनेश्वर इज द करेक्ट आंसर, बस जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते रहिए, भुवनेश्वर, बहुत अच्छे। सिंघानिया गौतम सर, PD पोल करिए बेटा, आप तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, पोल के लिए वो पहले से ही अपलोड करना पड़ता है उस सिस्टम पे। नेक्स्ट आता है, किस भारतीय राज्य में कोई अनुसूचित जनजाति समुदाय नहीं है? विच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी शेड्यूल ट्राइब, मतलब किसी भी ST का कोई रिकॉर्ड वहाँ पर नहीं है, उस राज्य में ST नहीं है। अगर आता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो आपको पता ही होगा, मैक्सिमम तो MP में, मध्य प्रदेश में, तो कहाँ पर नहीं है ये आपका होता है, बिल्कुल सही, हरियाणा। साक्षी बेटा एक्चुअली उसके लिए पहले से उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर अपलोड करने पड़ते हैं, तो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। अमेरिका के बाद किस देश ने चीन की टेलीकॉम कंपनी हुवाई को बैन कर दिया? अमेरिका ने बैन किया, हालांकि हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी बन चुकी है, हमारे पास हुवाई के बहुत सारे आइटम हैं। तो कौन है? UK, मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड, कुछ भी कह सकते हो, पाकिस्तान, फ्रांस और रसिया। बाकी आप लोग अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए ADYT ये कोड यूज़ कीजिए और 6 PM पर आज स्पेशल क्लास लीजिए, डेली होती है, ठीक है, स्पेशल सेशन डेली होता है,
करेक्ट आंसर क्या होता है? ठीक है सिंघानिया जी, देखते हैं कल का कल। यूनाइटेड किंगडम, क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूके। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय क्षेत्र दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां एशियाई जंगली गधा पाया जाता है? विच इंडियन रीजन इज ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर इज द एशियाटिक वाइल्ड लाइफ या डंकी इज फाउंड? तो कहां पर है? सुंदरबन का डेल्टा, जो कि बंगाल और बांग्लादेश वाले पार्ट में, लेह या लद्दाख, या फिर कोरोमंडल, या फिर रन ऑफ कच्छ, बताइए जल्दी से। हाँ, उसका यूके था, बिल्कुल सुमित बेटा, फ्रांस नहीं था, यूके करेक्ट आंसर था। कच्छ है बेटा, रन ऑफ कच्छ, जो कि कहाँ पर हो गया? गुजरात में हो गया भाई। जो रन ऑफ कच्छ है वो कहाँ पर है? गुजरात में है, लेह लद्दाख में नहीं है बच्चे, गुजरात में है, लेह लद्दाख में नहीं है। भारत ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ MOU साइन किया है? मेमोरेंडम पर किसने सिग्नेचर किया है? भारत ने किसके साथ में? USA के साथ, ईरान के साथ, कतर के साथ, या सऊदी अरब के साथ? इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू क्रिएट एन इमरजेंसी ऑयल रिजर्व अब्रॉड? मतलब अगर कोई इमरजेंसी आती है, कोई परेशानी होती है इन फ्यूचर में, तो उस रिजर्व से काम चलाया जा सकता है। किसके साथ? अमेरिका के साथ किया। वेरी गुड, अमेरिका के साथ किया बेटा, सऊदी अरब के साथ नहीं किया, अमेरिका के साथ किया है। अतुल सैनी, अमित सैनी भी आते हैं क्लास में, अतुल सैनी भी, भाई भाई तो नहीं हो। नेक्स्ट, इसके बाद में आता है प्राचीन संस्कृत नाटक मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित, इसके जो राइटर हैं वो कौन है भाई? इसमें से कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट या विशाख दत्त, कौन है जल्दी जल्दी बता दो बेटा। एक्चुअली थोड़ी कफ हो ही रही है ना, वो थोड़ी कफ हो ही रही है, पानी अभी पी लिया था, बीच बीच में बोलने से होने लगता है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। लाइक करो भाई सब लोग, शेयर करो, लाइक करो, सही बात है, ऋतु की बात मान लो मेरी नहीं तो कम से कम। वेरी गुड, कौन है? भवभूति, भवभूति। और बाणभट्ट की तीन चार बुक याद रख, तीन बुक याद रखना उनकी, एक है हर्षचरित, कौन सी आएगी? हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण है, मतलब बायोग्राफी, हर्षचरित, कादंबरी, कादंबरी, देन उसके अलावा एक आती है पार्वती परिणय, पार्वती परिणय, ये किसकी हैं? ये जो तीनों बुक हैं, इन तीनों को लिखने वाले हैं बाणभट्ट। ये कौन थे बाणभट्ट? ये मिनिस्टर भी थे और रॉयल पोइट भी थे, राजकवि भी थे, किसके? ऑफ हर्ष, ठीक है ना, हर्ष, रॉयल पोइट ऑफ हर्ष, हर्ष मतलब हर्षवर्धन, ठीक है। कालिदास जी की 7 बुक है बेटा, उनकी तो हमेशा दिमाग में लिस्ट होनी चाहिए, मैंने बताया था। मोहम्मद सुएव, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो टेंशन ना लो, और सोचना भी ठीक नहीं है, और दुआ करो किसी को ना हो, है कि नहीं। बाकी विशाख दत्त की 2 बुक ध्यान रख लेना आप लोग, एक तो मुद्रा राक्षस, एक तो कौन सी? मुद्रा राक्षस, और उसके अलावा एक और थी देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्तम। हाँ बेटा, परमानेंट होती है, मंडी परिषद परमानेंट होती है, देवी चंद्र गुप्तम उत्तर प्रदेश में तो परमानेंट है ही है, यूपी से ही आप बात कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, है ना, या हरियाणा वाले की? नहीं, हर पोस्ट तो नहीं, बहुत सारा पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी होता है, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट होता है उसमें। इन विच सिटी दीक्षा भूमि सिचुएटेड एट वेयर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म अलॉन्ग विद थाउजेंड्स ऑफ दलित फॉलोअर, मतलब उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, उन्होंने क्या कर लिया था? अडॉप्ट कर लिया था, क्या कर लिया था? दीक्षा भूमि नाम की जगह पर 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो डी ऑप्शन तो सुन लो, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, जो डी ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है, ठीक है। हाँ बेटा, अन अकेडमी पर मैं कब पढ़ाता हूँ? 6 PM पर फ्री क्लास होती है बेटा, 6 PM डेली अन अकेडमी पर फ्री क्लास होती है, एक दिन पॉलिटी चलता है, एक दिन ज्योग्राफी चल रहा है, प्रॉपर थ्योरी करा रहा हूँ, करो उस क्लास को, जरूरी है, अच्छी है। इसका जो सही आंसर है बेटा नन ऑफ दीज है, एक्चुअली क्या है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भाई नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर इसका जो होता है वो क्या होता है? वो होता है नागपुर महाराष्ट्र, ये करेक्ट आंसर है नागपुर।
नेक्स्ट है भारतीय मूल के चंद्रका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया। चंद्रका प्रसाद संतोखी ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, जल्दी से बताइए कौन सा कंट्री है। सूरीनाम, चिली, सैन मेरिनो, मालदीव, बताइए जल्दी से। हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर होता है भाई, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो है आपका सूरीनाम। सूरीनाम के बने हैं और इसके जो कैपिटल है, अगर किसी को वो याद रखनी है तो रख लेना, पैरा पैरा मारिबो, है ना, मारिबो ऐसे करके याद रख सकते हो, पैरा मारिबो। ये इसकी क्या है, हाँ ये इसकी जो है वो कैपिटल है। चलिए, यहाँ पर हमारे बहुत सारे मूल के लोग हैं, इंडिया के बहुत सारे लोग इस देश में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी मुफ्ती नूर मोहम्मद, नूर वली महमूद या महसूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है, बताइए जल्दी से। ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका हेड ऑफिस आपका न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो वहाँ पर कौन से देश का होगा पता ही है सभी को, पाकिस्तान होना चाहिए। प्रियंका बेटा देखो, रेगुलर क्लासेस में रहो, मेरी जो डेली क्लासेस हैं, एक तो देखो मंडे से फ्राइडे 9 AM पर क्लास होती है, उसमें मैं करंट अफेयर्स कराता हूँ मंडे से फ्राइडे, वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल है। 11 AM पर एक क्लास होती है वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पर, ये तो हो गई यूट्यूब वाली क्लास। 6 PM डेली आप रहो अनअकैडमी पर, फ्री क्लास होती है, अनअकैडमी पर फ्री क्लास होती है, स्पेशल सेशन में जाके मिलेगी, मेरा पूरा नाम फॉलो करना, अनादि कुमार गौतम, मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्लास लो, और बाकी कोई बहुत दिक्कत परेशानी है भाई तो फिर अनअकैडमी पर एक कोर्स परचेज कर लो, ये वाला कोड ले लो, ANADIYT, ये कोड के साथ में पाकिस्तान है। प्रहार जो है वो क्या है, प्रहार इज अ, इंडिया का एक क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, या एयरक्राफ्ट कैरियर, या सबमरीन, या बैटल टैंक, जल्दी जल्दी बता दो क्या है जो प्रहार है वो क्या है। हाँ, प्रहार क्या है जल्दी से बताइए, प्रहार है भाई, प्रहार करने वाला, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होता है, ए करेक्ट आंसर है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इन क्या है, इंडियन ओलंपिक कमेटी ने युवा ओलंपिक, नहीं इंडियन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक खेल 2022 को स्थगित कर दिया है। अब ये कब होगा, कौन सा वाला, युवा वाला, जो यूथ वाला है, तो कब होगा भाई, 2024 में, 23 में, 22 में, या 26 में। हाँ तो ये होगा बेटा 2026 में, कब होगा, 2026 में होगा, ठीक है, 2026 में अब होगा, कोरोना के चक्कर में सब ये गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट लोकेटेड, कहाँ पर है, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो ये आपका होता है सोनीपत नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर साइड में है, कहाँ पर, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी आंसर करते रहो, जल्दी जल्दी आंसर करते रहो आप लोग। नेक्स्ट है हीराकुंड नाम का डैम है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, हीराकुंड डैम किस नदी पर है, स्टेट में आपको बता देता हूँ, ओडिशा, अगर स्टेट आता है तो कौन सा है, ओडिशा। आज सर हम लोग का बकरीद है, हाँ बेटा ईद मुबारक सभी के लिए, सभी के लिए ईद मुबारक, मंडे को राखी है वो भी मुबारक, आगे जन्माष्टमी आएगा वो भी मुबारक, 15 अगस्त की सबको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, तो सभी कुछ मुबारक, हर दिन मुबारक है कि नहीं। तो क्या है, महानदी पर है भाई, महानदी पर है बेटा, महानदी पर, रिहंद कौन बोल रहा है, रिहंद नहीं, महानदी है। नेक्स्ट आता है इसके बाद, किस पड़ोसी देश ने भयानक बाढ़ देखकर एक डैम को बम के धमाके से तोड़ दिया, विच नेबरिंग कंट्री सॉ द टेरेबल फ्लड एंड ब्रोक द डैम विद अ बॉम्ब ब्लास्ट, ऐसे खतरनाक काम कौन करता है। हाँ भाई चांद बाबू, सभी को बधाई हो, सभी को बधाई हो, हाँ सबका है, सबका त्यौहार है, सभी को, हाँ मैंने 15 दिन की इकट्ठी मुबारकबाद आज ही दे दी है, और साथ में ये भी तो बोल दिया कि हर दिन मुबारक हो, है कि नहीं, पूरी जिंदगी मुबारक हो।
तो ये है भाई आपका कौन है, चाइना है। कौन है? चाइना, फालतू कंट्री। नेक्स्ट आता है स्टिल वेड रोड, भारत को किस पड़ोसी देश से कनेक्ट करता है स्टिल वेल रोड? ये वाया बर्मा है भाई, ये बर्मा होके जाता है, बर्मा मतलब म्यांमार है ना, म्यांमार उससे कनेक्टेड देता है किसको, चाइना के साथ में। ये भी चाइना, इससे पहला भी चाइना। नेक्स्ट है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर इज द हाइएस्ट पीक, इज द हाइएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, ऑफ अरावली रेंज, जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज का या अरावली माउंटेन कह सकते हो, उसका सबसे ऊंचा पर्वत है। और ये आपका कहाँ पर है? माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू में। और बिल्कुल सही बात है भाई, ये आपका राजस्थान में होता है। कहाँ पर है? राजस्थान में। मुझे लग रहा है आज आप लोगों का नेट स्लो चल रहा है, इसीलिए आपके आंसर थोड़े आज मेरे को लेट मिल रहे हैं काफ़ी। हाँ लेकिन सही है, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भाई अंतिम सातवाहन शासक निम्न में से कौन था? सातवाहन नाम की डायनेस्टी है, उसके दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फर्स्ट किंग, एक लास्ट किंग। पर एक क्वेश्चन बहुत आता है, लेड मतलब शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? शीशे के सिक्के इस डायनेस्टी ने चलाए थे, शीशे के सिक्के चलाए, ठीक है ना, लेड कॉइन्स इशूड बाय सातवाहन डायनेस्टी। मेरा नेट सबसे तेज है, अच्छा तो जल्दी से आंसर करो। इसका करेक्ट आंसर है भाई पुलुमावी, बिल्कुल सही है पुलुमावी फोर, लेकिन सिमुक वॉज द फाउंडर, तो फाउंडर भी याद रखना, आंध्र प्रदेश मेन था, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया था उसमें मेनली ये थी, मतलब साउथ इंडिया की डायनेस्टी है। सिमुक बेटा फाउंडर है, पहला राजा है। तो यूरोपियन संघ ने कोरोना संकट से निपटने के लिए, अच्छा ये वाली क्लास भाई आपकी कल भी होगी 1:30 बजे, ठीक है, बाकी आज 6 PM पर अनअकैडमी होगी, कल भी होगी। यूरोपियन संघ ने कोरोना संकट से निपटने के लिए कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है, इमरजेंसी समझ लो। हाउ मेनी बिलियन यूरो फंड हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय द यूरोपियन यूनियन टू डील विद द कोरोना क्राइसिस? हाँ जल्दी जल्दी सर, क्या हाल चाल है सुमित भाई? हाल चाल ठीक ठाक है, तबीयत थोड़ी नासाज है। 750 अरब यूरो है ना, 750 बिलियन यूरो, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। MMU क्लास का सबसे जल्दी आंसर आता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी से दुनिया में कितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है अब तक? आगे और बढ़ जाएगा ये। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाई रिफ्यूजी इंटरनेशनल, हाउ मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर हैबिटेट द कोरोना एपेडमिक? एक्चुअली लोग जगह जगह एक दूसरे को छोड़ के निकल रहे हैं ना, तो भाई 16 करोड़ का अभी डाटा आ चुका है, 16 करोड़ है ऑल ओवर वर्ल्ड, आगे ये बढ़ने का पूरा पूरा चांस है और बढ़ ही रहा है। ओजोन परत जो होती है उसका हिरास किसके कारण होता है, उसका लॉस किसके कारण होता है, उसका जो लॉस है वो किसकी वजह से होता है, ओजोन परत में कमी किसकी वजह से आती है, CFC या फिर CC4I4 है ना, क्या है ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 होना चाहिए, CCl4 या फिर HCFC, ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल सही बात है भाई दिलप्रीत, वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर सही है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी है बेटा? ये क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन एग्जाम में अभी एक रिसेंटली पूछा गया था लास्ट ईयर, इसीलिए मैंने इसको डाल दिया है। अगर ये कभी आ जाए तो आपको इसको टिक करना है, ठीक है, लेकिन वैसे 2009 तक इतनी थी, 2019 तक थी 79 थी SC और ST की कितनी थी 41 थी। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं वर्तमान में बात करता हूँ, तो बेटा जी सीट गई हैं बढ़ और कितनी हो गई हैं 84 सीटें जो SC के लिए हैं और आपकी 47 सीटें जो ST के लिए हैं, कुल मिला के 131 सीट है, 131 सीट हो गई जो टोटल मिला के हैं। लेकिन फिर भी अगर आंसर 84 ऑप्शन में होता तो आपको टिक करना होता 84, बट वो तो आंसर में है नहीं तो आपने 79 टिक कर दिया उसी की वजह से, क्यों? क्योंकि 2009 तक 79 ही होता था, ठीक है, क्लियर हो गया आंसर। अंतरिक्ष पर जाने वाली जो पहली महिला है वो कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गो ऑन स्पेस? सैली राइड, स्वेतलाना या फिर वैलेंटिना टेरेस्कोवा या विलियम्स? हाँ अभी 47, बिल्कुल 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 क्लियर, आप समझ गए इसका मतलब। शेयर करो, लाइक करो सेशन को,
शेयर भी कर दो, लाइक भी करो, दोनों काम करना चाहिए। एक बटन दबाने में क्या जा रहा है, है? वैलेंटिना टेरेस्कोवा यूएसएसआर की रहने वाली थी, सोवियत संघ की रहने वाली थी। आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाला निम्न में से पहला क्रिकेटर कौन बन गया, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू वायलेट आईसीसी सलाइबा बैन। वो ध्यान है ना, पता है ना, बॉल को घिसते हैं, है ना, स्पिट से थूक लगाकर, वही वाला ये। तो बेटा ये डॉम सिबले, कौन है, डॉम सिबले। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर वन ऑलराउंडर बन गया, हु हैज रिसेंटली बिकम द नंबर वन ऑलराउंडर आफ्टर बीटिंग जेसन होल्डर इन द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। बताइए कौन है, बेन स्टॉक, जोस हेजलवुड, नसीम शाह, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक कौन है, हाँ उसका नाम डॉम है। डू यू नो, क्या भाई श्रीनिवास जी क्या कहते हो, क्या जाने है? हाँ जी चलिए, अब इसका जल्दी से, बेन स्टोक, वेरी गुड, बेन स्टोक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शब्द का अर्थ क्या है, टर्म सेंटर नर्वस सिस्टम रेफर्स टू क्या, बताइए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मतलब है मस्तिष्क और रीढ़, या फिर आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त, मस्तिष्क और कपालीय नस, ब्रेन, ब्रेन तो सभी में है ये, है ना, या ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और क्रैनियल नर्वस, तो क्या होना चाहिए, नर्व्स होना चाहिए, ये आपका ए आंसर आना चाहिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के आपका ये पूरा बनता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने या यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है, घर घर पहुंचाएंगे, घर घर राशन पहुंचाएंगे, ये केजरीवाल जी के द्वारा किया गया, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, तो मतलब हो गया दिल्ली। अच्छा बेटा, बाकी मेरे एसएससी में कई सारे बैच चल रहे हैं, रेलवे में भी बैच आ ही गया है, तो आप लोग अनादि वाईटी ये कोड यूज़ कीजिए अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए। नेक्स्ट आता है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है, विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनियन होम ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो कि अब डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जाने जाएंगे नई नीति के अनुसार, है ना। तो उन्होंने कहा किया, कौन सा वाला है, स्वभावदर्पण, मनोदर्पण, हिम्मत या नन ऑफ दीज। बहुत बढ़िया भाई सिंगानिया, मनोदर्पण ऋषभ का आंसर भी बिल्कुल ठीक है और MMU साहब का भी बिल्कुल ठीक है, मनोदर्पण इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है। मनो मतलब मनोदशा, अंदर की दशा को समझने के लिए, चंबल जो नदी है, चंबल जो रिवर है, चंबल की घाटी बाघियों की घाटी कही जाती है, पान सिंह तोमर आपको याद होगा शायद, इनमें से किस राज्य में नहीं बहती, तो चंबल रिवर जो है भाई वो एक फ्लो नहीं करती इनमें से एक स्टेट में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या गुजरात में। हाँ, HRD मिनिस्टर को अब एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जाना जाएगा नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। यूपी में तो है बेटा, यूपी में तो है, कौन सा दिख रहा है, गुजरात, गुजरात में नहीं है भाई, यूपी में है। केंद्रीय जो झांसी वांसी के आसपास वाला एरिया है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड लॉन्च किया है, उद्घाटन किया है, बताइए जल्दी से। द यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द जोरम मेगा फूड पार्क इन विच स्टेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जोरम मतलब हम तो आंसर दे रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे, अरे अखिलेश ऐसी बात नहीं है बेटा, एक्चुअली कुछ कुछ बच्चों का नाम दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं अखिलेश भाई, मिजोरम इज द करेक्ट आंसर, जोरम मतलब मिजोरम ऐसे याद कर लो ना। कोंकण रेलवे निम्न में से किस शहर को कनेक्ट करती है, कोंकण रेलवे कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, आपने नाम सुना होगा एक मेट्रोमैन का,
आपने एक नाम सुना होगा हमारे एक मेट्रोमैन के नाम से फेमस है, ई श्रीधरन, उनका ये बहुत बड़ा रोल है इसको बनाने में। ई श्रीधरन पहले कोंकण रेलवे में ही थे, फिर बाद में उनको दिल्ली मेट्रो में लाया गया था, दिल्ली मेट्रो के चीफ रहे थे वो जब स्टार्ट की गई थी। तो ये आपकी रोहा से लेकर मैंगलोर के बीच में रोहा है महाराष्ट्र, रोहा कहाँ है महाराष्ट्र है, फिर प्लस जाती है गोवा, फिर जाती है मैंगलोर मतलब कर्नाटक, तो तीन स्टेट को ये कवर करती है, तीन स्टेट को कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई इसके बाद अनिमेश यशपाल डोमेस, अरे डोमेस आप तो मेरी उस क्लास में भी आते हो, साइकात। प्रसिद्ध पेंटिंग बानी थानी चित्रकला की निम्न में से कौन सी शैलियों में है, किशनगढ़, फड, राजपूत, नन ऑफ दीज। हाँ दिल्ली मेट्रो के चीफ थे जो मेट्रोमैन, मैंने अभी नाम बताया आप लोगों को, क्या आंसर होना चाहिए इसका, राजस्थान में है ये, राजस्थान में है भाई, क्या नाम है इसका, नाम है किशनगढ़ पेंटिंग, किशनगढ़, बिल्कुल सही, करेक्ट, वेरी गुड। कोरोना के बीच भारत ने रेल मार्ग के जरिए हाल ही में किस देश को 9000 टन से ज़्यादा मसाले निर्यात किए हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये अपना जो कोलकाता है वहाँ से भेज दिया। मैत्री नाम की एक ट्रेन चलती है उस देश के साथ में, आप बता दो, मैत्री नाम की ट्रेन चलती है, कौन सा होगा। बंधन ट्रेन भी चलती है, हाँ बांग्लादेश। कूड़ा कचरा गार्बेज से बिजली बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है, विच इनिशिएटिव हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गार्बेज, वेस्ट टू लिटर, एनर्जी टू वेस्ट, वेस्ट टू एनर्जी या वेस्ट टू स्कफ। तो ये तो अपने आप आपको आंसर मिल जाना चाहिए, थोड़ा सा सोचोगे अपने आप आंसर मिल जाएगा। मैंने वही तो बोला बेटा, मैत्री और बंधन दोनों हैं, तो ये है भाई वेस्ट से एनर्जी बनाना है, है ना, क्या बनाना है, वेस्ट से एनर्जी बनाना है, तो उस स्कीम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कहता है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविजन फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन कंट्री, ये आपका पार्ट नंबर 15 में आता है, पार्ट नंबर 15 में आता है, और उसी में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, फेवरेट टाइप क्वेश्चन है ऑल एग्जाम का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका अपना एक आर्टिकल जो होता है वो होता है आर्टिकल नंबर 324, ये वाला है आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में। शेयर लाइक शेयर लाइक शेयर लाइक, टेक्निकल सर भी कह रहे हैं तो कर ही डालो यार। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से 1996 के भू हस्तांतरण प्रस्ताव की ओर संकेत करते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया, मतलब भूटान को लालच दे रहा है वो देश, जैसे अदर कंट्री में भी दे चुका है, जैसे नेपाल को अपने सपोर्ट में मिला रहा है भारत के खिलाफ, तो भारत तो है नहीं भाई, भारत और भूटान के बीच में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भूटान तो अपना छोटा वाला बच्चा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना, लेकिन चाइना उसको उकसाने की कोशिश कर रहा है, तो चाइना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फसलों पर जो DDT का छिड़काव है वो प्रदूषण का कारण बनता है, कौन से वाला, जब हम स्प्रे करते हैं DDT का तो किस पर, वायु और मृदा, फसल और वायु, मृदा और जल, एयर और वाटर, कौन सा होगा, खुद सोचो भाई, सॉयल है, सॉयल को करेगा डिस्टर्ब और वाटर को करेगा, है ना, तो सॉयल और वाटर होना चाहिए, सॉयल एंड वाटर होना चाहिए। इसके बाद दुनिया के पहले पुनः प्रयोज्य PPE किट भारत के साथ लॉन्च किया, किसके साथ, कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ, बाकी आप लोग अनादि YT ये कोड यूज़ करते रहिए और 6 PM पर डेली अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास लिया करो, आज भी है ऑन अनअकैडमी, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो उसमें, मेरा पूरा नाम यूज़ करो उसमें, इसमें होता है बड़े ट्रिपल वायरल शील्ड टेक्नोलॉजी, सर एयर नहीं होगा भाई, बस मुलाकात करेंगे शाम को 6 बजे और उसके बाद कल सेम टाइम पर सेम प्लेस सेम जगह, थैंक यू सो मच। और आप लोग ये जो गोल है, ये हमारा गोल है क्या, आप गोल सेलेक्ट अपना कीजिए, जैसे SSC वगैरह जो भी है, ठीक है, और उसके बाद में अपना कोड यूज़ करो ANADI YT अनादि YT, ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक बच्चे, बफरिंग बड़े अच्छे टाइम पर हुई है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है।
अगर बफरिंग हुई है तो बहुत अच्छे टाइम पर हुई है, जाने के टाइम पर बफरिंग हुई है, ठीक है ना। अभी ठीक है, हम लेते हैं अर्जुन, ठीक है बच्चा, तो अभी तो ठीक ही है। हाँ ट्रिपल वायरल था उसका, ट्रिपल वायरल, चलिए अभी ठीक है तो सही है। फिर अनादि वाइटी कोड यूज़ करके आज ही 5-7 कोर्स ले डालो, ठीक। चलिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और ये टेलीग्राम का लिंक है, कोई दिक्कत परेशानी हो मिलना इस पर भी हमारे साथ में, और 6 बजे आना।